सच झूठ 15 साल पुरानी गल है। मैं किसी वड्डे दफ्तर विच तैनात होया सी। 2 दिन माहौल देखण तो बाद मैं अपने कमरे विच एक वर्के ते लिख के ला दिता, मेरे कोल किसी दी चुगली ना कीती जावे, जे कदी मैं करां तां टोक के रोक दिता जाए। कुछ दिन तां सारयां ने औखे सौखे कट्टे। फिर एक दिन एक सीनियर स्टाफ मैंबर बीबी कहिंदी, एक्सीन साहब फिर तुसी कहना चुगली कर दी है। मैं कहा जे ये गल है तो ना करो। कहन लगी, पर जी ये सच्चाई है, वह फलानी अज फिर लेट आई। ज्यादातर हर चुगली ते निंदिया सच्चाई ही हुंदी है। करन वाले मुताबक तो 100% सच्चाई हुंदी। तथ्यात्मक तौर पर हर चुगली निंदिया बिल्कुल दुरुस्त हुंदी है, जानी पूरी तरह सच हुंदी है, पर खोट तां उद्देश अते मनसा विच हुंदी है। निंदिया ते चुगली ओ सच हुंदा है जिसनूं बोलण पिछे उद्देश शुभ नहीं हुंदा। निंदा चुगली पिछे उद्देश अपने आप नूं चंगा, वड्डा, सच्चा आदि अते दूसरियां नूं घटिया, नीवा, झूठा आदि दर्शाउणा हुंदा है। यह चंगे आचार दा लक्षण नहीं। महाराज ने आचार नूं सच नालों वध महत्व दिता है। उपर सच आचार, अजिहे सच नालों साडे वड्डे परिवारां दीआं दादीआं पड़दादीआं दे झूठ किते चंगे अते पवित्र सन, जिन्हां नालों सारे घर परिवार नूं जोड़ी रखदीआं सन। उहनां दे झूठां दा उद्देश शुभ हुंदा सी। साडे सच बहुत जहरीले हन, जो एक दूजे नालों तोड़ के नफरत, ईरखा, झगड़ा आदि वधाउंदे हन। मैं उस बीबी नूं कहा, आपां पता करिए कि उस फलानी नूं घर दी अजिही कीड़ी समस्या है जिस करके वह लेट आउंदी है, नाले पता करके मैनू दस्यो कि आपां सारे उसकी की मदद कर सकते हाँ। सारा स्टाफ समझ गया कि इस नवे एक्सीन कोल सच बोलण दा कोई फायदा नहीं, अपना ही काम वधाउण वाली गल है। जसवंत सिंह जफर की कलम तो मैं साहिब सिंह प्लस टीवी HD तो लाइक करो, सबसक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, माणदे रहो प्लस टीवी HD। धन्यवाद।